अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, तो हाउ यू ऑल, हियर कम्स योर पाका एसआई। तो वेलकम टू एसआई गेमिंग। आज का गेम प्ले बनाया था एसआई लाइन के साथ मेरे क्लैन की एलीट हैं मुजम्मिल, तो उनका नाम मुजम्मिल है बट गेमिंग नेम एसआई लाइन। और मेरे क्लैन के एक और लड़का है वो कोलीडर है एसआई ईगल, तो उसका भी चैनल है। उसके चैनल का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सब्सक्राइब कर देना यार। उसके सब्सक्राइबर्स हैं होने वाले 50, तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कर देना। और मुझे भी कर देना साथ, ऐसी ऑलवेज सपोर्ट करना। अब यहाँ पे एक बॉट भैया दिखे, मैंने कहा वैसे एमओ कम है तो मैं एमओ उस पर वेस्ट क्यों करूँ। एमओ वेस्ट करने के चक्कर में मैंने मॉली कर दी, तभी मुझे ऊपर से पड़ गया ये भी, फिर उसका हेड दिखा था, उसको किल कन्फर्म किया। एक यहाँ पे बंदे को मारा था, दो किल्स कंफर्म हो गई। अब एक वही जिसको मैंने पहले नॉक दिया था, उसको मॉली से डैमेज नहीं पड़ा, तो वो यहाँ पे है, तो मैंने उसको शॉट देने का ट्राई किया लेकिन वो ब्लीड आउट हो गया। फिर भी किल मेरे नाम पे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने टीममेट से कहा यहाँ से निकलते हैं, तो उसने कहा नहीं मेरे पास फ्लेयर है, तो मैंने कहा फ्लेयर चला लो फिर देखते हैं क्या निकलता है फ्लेयर से। तो उसने कहा चला चुका हूँ आ जाओ, मैं भागता हुआ गया। मैंने उसे कहा कि अगर AWM हुआ तो मेरा, उसने कहा ठीक है, बट किस्मत है गन ही नहीं पसंद, दोनों बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। अब मैंने कहा तुम खुद उठा लो, मुझे तो नहीं चाहिए। उसने कहा M249 मैं यूज़ कर लेता हूँ लेकिन दूसरी मुझे भी नहीं चाहिए। शॉटगन हो हमारे पास तो कौन हो सकता है, क्योंकि हमारे प्लेयर की लाली चाहिए बंदा हो, फिर भी डैमेज पड़ रहा है। मेरा टीममेट नॉक, और मुझे अब जब हमारा टीममेट हो नॉक होता है ना बहुत पैनिक हो जाता है बंदा पता, और ड्यो खेल रहा हो ना और ऊपर से फिर तो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और उनको पता है हमारी लोकेशन के दोनों को, वो दो बंदे हैं, मेरा टीममेट नॉक है, तो उन्होंने जगह चेंज की, मुझे इतना पता था वो उधर से रहते हैं। उसका किल कंफर्म किया। अब वो बाकी दो टीममेट है ना वो अलग से होंगे यहीं पे, वो मुझे नॉक देने की ट्राई कर रहे होंगे। अब एक लेफ्ट से आएगा एक राइट से आएगा, मैंने मुझे उसे कहा अब तू गन रीलोड करके रख ले, जैसे ही वो हेड दिखाएं या बॉडी दिखाएंगे वो रश करेंगे, उन्होंने रश करना ही करना होता, क्योंकि वो जब वहाँ से दूर से इधर आए तो उन्होंने रश करना, यहाँ आके वो सेफ थोड़ी खेलेंगे। तो ये गेम प्ले काफ़ी मतलब ये नीड कर रहे हैं, देखें बिल्कुल मुझे पैनिक करके, और पीछे से कार्नर टेट चल रही है, उसकी वजह से मुझे और डर लग रहा था। बैक साइड से कार्नर टेट चल रही है तो मूवमेंट देना पड़ेगा मुझे, मूवमेंट तो देते रहना पड़ना। तभी मैंने इसका टीममेट किया, मुझे गया जी मुझे को मारते हुए मैंने उसको मार दिया। अब उसका एक और दूसरा टीममेट ये रहा, ये बिल्कुल इसको भी कन्फर्म हो जाएगा ये खेल भी। अब जो कार्नर टेट चला रहा था वो क्लोज आया, मैंने स्कोप चेंज किया, फिर मैंने उसको लोकेशन पता की तो वो इधर करीब में। अब उसको कंफर्म करके इसके टीममेट्स नहीं थे यहाँ पे, टीममेट्स करीब ही नहीं थे, टीममेट्स पता नहीं कहाँ गए हुए थे। ये शायद सोच रहा था कि थर्ड पार्टी करके लूट कर लेगा, तो मैंने मुझे से कहा कि ऊपर पड़ी है कार्नर टेट ले लो, तो उसने ले लिया। फिर हम वहाँ से आए जोन, यहाँ आ रहे थे यहाँ बॉट भैया एस्टविल के से, मतलब शॉर्ट गन के मिशन था तो इसलिए मैं एस्टविल के से इतना दूर मार रहा था। इसको किल कंफर्म किया, अब गए हम जोन, जोन में जैसे ही पहुँचे ये फाइट देखना मुझे इतनी हंसी आई, ये मरा क्यों नहीं, इतनी इसको पड़ी है, ठीक है। मैं पैनिक हो गया था, मुझे भी दूर है, अब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। इसको ये देखें इतनी पड़ी है यार, फिर भी बंदा नॉक नहीं हो रहा। मैंने कहा ये नॉक नहीं होना, चलो नीचे और मेरी हेल्थ चेक करना, बच गया मैं लाल रेड रेड और 10 HP बस, और मेरा टीममेट नॉक। ऐसी हालत में बंदे की और हेल्थ किट हो ना हो और बैंडेजेस हो सिर्फ, तो उस वक्त बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा। और RPG की आवाज़ें चल रही हैं, ऐसी आवाज़ें RPG वाली, तब तो और ज़्यादा डर लगता है। मेरे ऊपर बंदा जिसको मैंने अभी काफ़ी डैमेज दिया था वो तो है ही ऊपर, शायद मैं सोच रहा था वो ऊपर है, तब मुझे फिर पहले पता नहीं था, बाद में पता चला उसको, तो ये सामने RPG वाला उसको ऊपर वाले को मार देता, ये RPG उसी को पड़ी है जिसको मैंने बहुत डैमेज दिया था। अब RPG वाला इसी घर में,
मैं पीक ले रहा हूँ ठीक है, तब वो हेड नहीं दिखा रहा। जब मैंने पीक लेना छोड़ दिया जैसे ही इस तरफ होता हूँ ना, तब वो हेड दिखा रहा था। मैं अब थोड़ा हटा हुआ, देखें सामने खिड़की पे वो पीक दे रहा है। अगर मैं उस वक्त ओपन करके रखता ना स्कोप, तो मैं शायद उसको उठा देता, बट किस्मत क्या कह सकते हैं। अब तीन बंदे लाइव हैं, मुझे बस डर था तो इसी का कि आरपीजी लेके आएगा, और मैं कोई सी भी गन लेके जाऊँ आरपीजी से नहीं, आरपीजी मुकाबला नहीं कर सकता मैं। और अब मुझे नहीं पता, मुझे लगा ये दो बंदे हैं, दोनों ऊपर छत पे हैं, मैंने क्योंकि एक को देखा था। अब मैं यहाँ पे गया हील करने के चक्कर में, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। थोड़ी सी हीलिंग की, अब दूसरा बैंडेज लगा रहा था कि सामने से बंदा आ रहा है। अगर बैंडेज छोड़ो, अगर मैं ये किल ना करता ना तो मुझे चिकन मिल जाता इजीली, क्योंकि ये जा रहा था इसी घर में और इन दोनों की फ़ाइट हो जाती तो मैं लास्ट वाले को इजीली मार सकता था। मैं जल्दी के चक्कर में ना तो यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे उसके नीचे उतरने के फुटस्टेप आए, तो मैं गया पास, बट नहीं वो फिर से ऊपर जा चुका है। अब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। टीममेट कह रहा था कि यार उसके पास आरपीजी है तो कैसे मुकाबला करेगा। मैंने कहा चल जो छोड़, जो किस्मत आरपीजी होने सामने वाले के पास, तब हम किसी भी तरह, बहुत डिफ़िकल्ट होता है किस्मत हो तभी जीत सकते हैं। ये देखिए वो आया, शॉर्ट्स पड़ी उसको और डैम। चले कोई ना, हो गई थी 9 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह, प्लस 24 का लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।